तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी M40 के लॉन्च के बाद अब सैमसंग अपने अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M30s की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि सक्सेसर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 का। सेम मॉल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको एक पंच होल डिस्प्ले, ट्रिपल ईयर कैमरा, 5000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और ये अब तक की सबसे लो प्राइस वाली स्मार्टफोन होगी सैमसंग की, जिसमें आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको एक 6.4 इंच की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसका साइज 6.4 इंच का होगा। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर ही एक पंच होल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। गैलेक्सी M30 में आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था, तो ये स्मार्टफोन उसकी अपग्रेडेड वेरिएंट होगी, इसलिए हो सकता है कि इस स्मार्टफोन में आपको सेल्फी कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए, जिससे कि आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाए। अगर वही बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको एक ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको बैक साइड में ये आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर वही बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है बैक साइड में। प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का हो सकता है, सेकेंडरी आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है, साथ ही में एक 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के हार्डवेयर में बहुत ही बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती है। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 710 का या 12 का चिपसेट देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फोन काफी बेहतरीन होगी। वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी, और साथ ही में आपको 18W का एक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन टाइप सी पोर्ट को भी सपोर्ट करेगी। अगर वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग के वन यूआई के साथ आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। और वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकता है। पहला होगा 464GB, सेकंड होगा 6128GB। वही बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 464GB, उसकी प्राइसिंग आपको 16,000 रुपीज के करीबन देखने को मिल सकती है। और अगर वही बात करें इस स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट की, जो कि होगा 6128GB, उसकी प्राइसिंग आपको 17,000 to 18,000 रुपीज देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन सेंटर का स्मार्टफोन है, इसलिए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो होगी काफी अच्छी रहने वाली है। आपको 16,000 रुपीज में एक पंच होल डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर, साथ ही में 5000mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करती है, और आपको एक फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। सो इस हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी डील के साथ आने वाली है। तो क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है? क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है वो जुलाई के महीने में होने वाली है। दोस्तों फाइनली आज के वीडियो में इतना ही था, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।